तो पहुंची सारी लाल किलारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। The inspection of the Guard of Honour complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here. Knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival, the Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. Samman Garat ka nirikshan karne ke baad, ab Pradhan Mantri Lal Kile ki prachir ki or agrasar, vishal aur bhavya Lahori gate se guzarte hue, pravesh ke liye, isme ek kaat ka pul hai, लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की तीन मंजिलें और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां यह प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the three service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure
that these values are lived socially, financially and physically. लाल किले की प्राचीर पर विशिष्ट दर्शक दीर्घा जहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है, मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ, आंख मिचौली सी चल रही है, बारिश कभी थम जाती है फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्वधर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है, इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर, वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।